ये देखिए फ्रेंड्स, खजूर की ये खट्टी मीठी सी चटनी, आप इसे समोसे, ढोकले या फिर किसी भी पकौड़े के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, जो कि ये हर चीज़ का स्वाद बढ़ा देते हैं ये खट्टी मीठी सी चटनी। और स्वाद में तो ये लाजवाब होती है, चाट हो या पकौड़ी, हर चीज़ का स्वाद ये दुगना कर देती है ये चटनी। और इस मज़ेदार चटनी को अगर एक बार आप बना लिए तो आप इसे महीनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खजूर की इस खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी। तो एक कप मैंने यहाँ पे खजूर ले लिए हैं और खजूर के मैंने यहाँ पे सीड्स निकाल लिए हैं, बिल्कुल ईजिली निकल जाते हैं। आप चाकू से हल्का सा कट करें और फिर इसके सारे सीड निकल जाएंगे। और एक कप यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, या फिर आप इतना लें जितना कि सारे खजूर डूब जाएं अच्छे से पानी में। इसे हमें भिंगो के रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे गर्म पानी यूज़ कर लें। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं और खजूर देखिए बिल्कुल फूल चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहीं पर मैं एक मिक्सी जार ले रही हूँ और इस खजूर को इसमें हम डाल देंगे, पानी के साथ ही डाल देंगे और इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पेस्ट बन गया है, ये खजूर का बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है यहाँ पे। और यहीं पे आप कोई सा भी पैन ले लें जिसमें आपको चटनी बनानी है और इसमें आप इस तरीके से स्ट्रेनर लगा लें और ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसे हम छान लेंगे इससे, ताकि इसमें अगर जो भी थोड़े बहुत रह गए हों गुठलियाँ वगैरह वो बिल्कुल ऊपर ही रह जाए। तो एक स्पून लेंगे और इसे हम इस तरीके से छान लेंगे ताकि खजूर की जो प्यूरी है अच्छे से छन जाए। और यहीं पे मैंने 5 बड़े चम्मच यहाँ पे इमली के पल्प ले लिए हैं, तो इसे भी छान लेंगे। तो ये देखिए इसमें इतना वेस्ट पार्ट निकला है, इसे हम साइड में कर लेते हैं। तो यहीं पे गैस पे चढ़ाएंगे हम पैन को और इसे कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, क्योंकि चटनी बहुत ही गाढ़ी है, अगर आप छोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल नीचे जाके तले में चिपक जाएगी। तो इसे चलाते रहेंगे हम। यहीं पे अगर आप चटनी को थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे पानी ऐड कर दें। तो कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, इससे चटनी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि कलर बहुत ही फीका सा लग रहा है चटनी का। और यहीं पे मैंने ले लिए 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम ये तीखी वाली लाल मिर्च है, इसे भी यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहीं पे मैं 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम नमक ऐड कर रही हूँ, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि खजूर अपने आप में ही बहुत ही मीठी होती है। लेकिन अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, उसके बाद आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून करीब आप चीनी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहीं पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें और इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और यहीं पे हमें इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देना है, या फिर इसमें जब तक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। अभी सिर्फ एक उबाल आया है और आप देख सकते हैं चटनी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, मिर्ची पाउडर डालने की वजह से बहुत ही अच्छा सा चटनी में कलर आ गया है। तो यहीं पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है। तो कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो गई है, तो यहीं पे हम 1 टीस्पून यहाँ पे ऑयल डाल देंगे और यहीं पे हम सौंफ और जीरा को डाल देते हैं और इसे हम थोड़ी देर के लिए चटकने देते हैं। और यहीं पे हमारे सौंफ और जीरा दोनों ही भून गए हैं, तो चटनी को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो एक बार सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो चटनी में अच्छा सा तड़का लग गया है, तो यहीं पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार है। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।